बिसमीम्स वेलकम व्यूवर्स टू माई चैनल स्टडी फ़ोरम आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द मेन एक्टर विच इज़ द स्टेट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वट इज़ अ स्टेट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ़ स्टेट सो so, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रियासत है क्या और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से रियासत जो है वो वजूद में आती है सो स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट स्टेट क्या है स्टेट उर्दू में जैसे रियासत कहते हैं स्टेट इट इज़ द कम्यूनिटी इट इज़ दम्ड बाई द पीपल एंड इट इज़ द एक्सरसाइजिंग पर्मनेंट पावर विद इन स्पेसिफाइक टेरिटरी देखें हमारा मुशरा जिसे इंसानों ने मिलकर बनाया है और इंसानों ने मुशरे में रहना क्यों सीखा क्यों शुरू किया क्यों क्योंकि इंसानों की ज़रूरियात जो है वो लामहदूद हैं बहुत सारी हमारी ज़रूरियात हैं जो हम अकेले रह के पूरा नहीं कर सकते दैट्स वाई वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी तो सोसाइटी की एक ऑर्गेनाइज शक्कल जो है वो हमारे पास स्टेट है रियासत है रियासत एक कम्युनिटी है यानी कि लोगों ने ही मिलकर उस रियासत को बनाया है वो सोसाइटी ने ही बेसिकली स्टेट को जन्म दिया एंड इट इज़ फॉर्म बाय द पीपल एंड इट इज़ आल्सो गवर्न बाय द पीपल एक्सरसाइजिंग परमानेंट पावर विद इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी और एक ख़ास इलाके के अंदर जो है एक रियासत अपना वजूद भी रखती है और उसका हुक्म जो है वो उस इलाके के ऊपर चलता है उस इलाके के लोगों के ऊपर चलता है स्टेट इट इज़ लैटिन वर्ड यानी लातीनी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है स्टेट रियासत और इट इज़ अ पोलिटिकल कम्यूनिटी जो कि एक ख़ास इलाके पर मुहित है हैविंग अर्गनाइज गवर्नमेंट यानी कि रियासत की अपनी एक हकूमत होती है अपनी पॉपुलेशन है इलाका है सवरनटी है अथॉरिटी है जिससे वो कानून बनाती है और फिर उस कानून को नाफिस किया जाता है जैसे कि आप देखें दुनिया के अंदर बहुत सारी रियासतें हैं और ये रियासतों का मकसद क्या था ताकि एक सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज शक्ल में लाया जाए जो स्टेट्स हैं जो जिनको बाद में ग्रीक कॉन्सेप्ट है फिर सिटी स्टेट्स हैं और फिर ये नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है अब जो लेटेस्ट है इसको अगर हम देखें तो स्टेट क्या है इट uh, है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इट द फोर एलिमेंट्स पॉपुलेशन है टेरिटरी है गवर्नमेंट है और सवेरेटी है इन सब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट से मिलके जो है वो हमारी रियासत वजूद में आती है और रियासत क्यों बनाई गई मकसद क्या था ताकि सोसाइटी जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल सके और इंसानों की ज़रूरियात जो है वो बेहतर तरीके से पूरी हो सके। इट इज़ अ विद टर्म कंट्री एंड नेशन स्टेट यानी कि इसको आ, कंट्री भी कहा जाता है स्टेट को एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नेशन स्टेट स्टेट्स आर द मेन एक्टर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दायर है इसमें कोई शक नहीं है या दूसरी आरा नहीं है कि स्टेट्स जो है रिस्ते ही मेन एक्टर हैं की रोल दे प्ले इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेट्स प्ले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इन द इंटरनेशनल नेशंस का uh, जो इम्पोर्टेंट एक्टर हैं दैट आर देश अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर स्टेट्स को तो हमने देख लिया कि स्टेट है क्या रियासत के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बात कर ली अब हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके मिलकर रियासत वजूद में आती है तो देर आर द फोर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट फिजिकल बेस ऑफ स्टेट जिसमें पॉपुलेशन है टेरेट्री है एंड देन वी हैव द पोलिटिकल बेस ऑफ द स्टेट स्टेट्स के फोर एलिमेंट्स हैं नंबर वन इज़ द पीपल पॉपूलेशन है आपके पास टेरेट्री है सबरानिटी है और गवर्नमेंट है इसको अगर हम फर्दर uh, इन चार को अगर हम डिवाइड करते हैं फिजिकल और पोलिटिकल बेस ऑफ स्टेट तो पॉपुलेशन और टेरिटरी दे कम इन फिज़िकल बेसिस ऑफ स्टेट एंड द पॉलिटिकल बेसिस ऑफ स्टेट्स में आती है गवर्नमेंट एंड सबरेनिटी तो अब हम इन चारों के ऊपर जो है वो तफसली गुफ्तू करेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि पॉपुलेशन uh, क्या है टेरिटरी क्या है गवर्नमेंट क्या है एंड सबरेनिटी क्या है एंड हाउ दे मेक्स अ स्टेट तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की पॉपुलेशन क्या है लोग अफराद आबादी इट इज़ द पीपल हु मेक द स्टेट इट इज़ द पीपल हु मेक द सोसाइटी और अगर हम पहले ही मैं बात आपको बता चुकी हूँ कि स्टेट जो है इट इज़ अ ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी वेन इट जब जैसे ही इंसानों ने विद नॉलेज विद द पैसेज ऑफ द टाइम शहूर आया एंड देन वी हमने देर वॉज द डिफरेंट Political thinkers, Greek thinkers who there is a need to have a state. तो रियासत इस तरह से वजूद में आई पॉपुलेशन बहुत इम्पॉटेंट है रियासत के लिए ग्रीक थिंकर्स जैसे आप जानते हैं कि बहुत इम्पॉटेंट प्लाटो है एरस्टोटल है इन्होंने बहुत कुलीदी किरदार अदा किया है अहम किरदार अदा किया है इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशनस सो दीस ग्रीक थिंकर्स वो ये कहते थे कि पॉपुलेशन जो है वो ना तो रियासत की आबादी इतनी ज़्यादा और ना इतनी बड़ी हो उसकी वजह क्या थी आबादी क्यों इतनी ज़्यादा ना हो क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके रिसोर्स जो है वो कम हो और आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी और ना आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम हो कि जो अफराधी क़वत है उसकी कमी हो जाए आप प्लाटो को क्या कहते हैं द आइडियल नंबर वुड बी फिफ्टी फोटी ये उस टाइम की बात है अब आजकल के दौर में फिफ्टी फोटी तो एक आप कह सकते हैं कि देहात की या एक टाउन की पॉपुलेशन भी नहीं है इसको हम इन टुडे तो आज की बात करते हैं हम तो ये दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल ये उस टाइम की बात है अगर हम एरिस्टोटल की बात करते हैं तो वो आ, जो है वो अब भी देखा जाए तो आ, इनकी ये जो बात है दैट इज़ क्वाइट एप्लीकेबल दैट नंबर शुड नीदर टू लार्ज नो टू स्मॉल इट शुल लार्ज इन्फ टू बी दैल्फ़ सफिशेंट एंड स्मॉल इनफ टू बी वेल कवर्ड एरिस्टोटल कहते हैं कि जो रियासत की आबादी है ना तो उतनी बड़ी होनी चाहिए ना तो उतनी छोटी होनी चाहिए इट शुल लार्ज इन्फ टू बी सेल्फ सफिशेंट यानी कि इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी ज़रूरियात को खुदकफील हो सके पॉपोलेशन और इतनी Uh, कम होनी चाहिए तादाद में टू बी वेल गवर्न ताकि उसको बेहतर तरीके से उस पॉपुलेशन uh, की देखभाल की जा सके या उसको मैनेज uh, किया जा सके नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड एलिमेंट है ऑफ अ स्टेट दैट इज़ टेरिटरी टेरिटरी यानी कि एक मखसूस हदूद एक इलाका जिसके ऊपर जो है वो एक ख़ास रियासत और आबादी जो है जो एक ख़ास रियासत से जिसका ताल्लुक है वो जहाँ पर आबाद हो तो इलाका बहुत ज़रूरी है कोई भी रियासत जो है वो एक ख़ास इलाके के बग़ैर उसका कोई वजूद नहीं है पीपल नीड टेरिटरी टू लिव एंड ऑर्गेनाइज दैम लोगों को इलाका चाहिए ताकि वो वहाँ पे रहें और अपने आप को सोशली ऑर्गेनाइज़ कर सकें और पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल और ऑर्गेनाइज़ कर सकें आप देखें टेरिटरी के अंदर क्या क्या शामिल है लैंड वाटर एयर एंड स्पेस तो ये चारों चीज़ें हैं जो कि टेरिटरी के अंदर हैं इलाके के अंदर आती हैं अगर हम मॉडर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर कितनी रियासतें हैं लेकिन आ, उनकी इलाके इलाकई अतबार से उनके जो उनका हजम है उनका साइज़ है उसमें डिफरेंस है टेरिट्री सिटीज़नशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट देखें पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं वी आर वी आर पाकिस्तान या आई एम लिविंग इन पाकिस्तान तो मैं इस हवाले से अगर बात करूँ उसकी मिस एग्ज़ैम्पल दूँ तो आ, पाकिस्तान के हवाले से आप देखें पाकिस्तान का आ, टोटल एरिया एक ख़ास एरिया है जो एक खास टेरिटरी है साउथ एशिया में पाकिस्तान इज़ इन साउथ एशिया तो एक ख़ास इलाके के अंदर एक ख़ास टेरिटरी है और सिटीज़नशिप पाकिस्तानी तो इलाका जो है वो बहुत ज़रूरी है एक इलाका डिफ़ाइन करता है कि ये कौन सी स्टेट कहाँ पर है एस

रियासत आप समझ ल कि ऐसे ही है जैसे कि कुछ भी ना हो देर कैन बी नो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टेट को चलाना रियासत की मर्ज़ी का इज़हार जो है वो गवर्नमेंट के बग़ैर आप कह सकते हैं कि हो ही नहीं सकता और रियासत की मर्ज़ी जो है उसका इज़हार गवर्नमेंट से ही मुमकिन है आ, इसमें हमारे पास प्रोफेसर एप्पाडोरा हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट एक ऐसा अदारा एजेंसी है थ्रू विच द फोर्स ऑफ अ स्टेट इज़ फार्मूलेटेड जो रियासत की मर्ज़ी है उसका इजहार जो है वो गवर्नमेंट से ही होता है इसी तरह अकॉर्डिंग टू सी एफ स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू मेक एंड एनफोर्स द लॉ द स्टेट मस्ट हैव हैस्ट अथॉरिटी और वो जो हाइस्ट अथॉरिटी है दैट इज़ द गवर्नमेंट यानी कि रियासत को एक लॉ एंड ऑर्डर कानून कौन बना रहे हैं गवर्नमेंट बनाती है कानून को नाफ़ि कौन करती है गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टेट को स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी और स्टेट को स्टेबल करने के लिए वी नीड गवर्नमेंट लास्ट में हम बात करते हैं सबरेनिटी द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट कि है हमारे पास सवरेनिटी सबरेनिटी इट इज़ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट सोवरेनिटी के बगैर चाहे एक स्टेट के पास पॉपुलेशन हो चाहे एक स्टेट के पास टेरिटरी हो लेकिन उसके पास सोवरेनिटी नहीं है गवर्नमेंट भी है लेकिन सोवरेनिटी नहीं है तो वो स्टेट का कोई वजूद नहीं है सोवरेनिटी ऐसे ही है जैसे कि एक सुप्रीम अथॉरिटी और एक फाइनल लीगल अथॉरिटी जो कि एक रियासत के पास है और सोवरेनिटी इट इज़ ऑफ टू टाइप्स एक इंटरनल सोवरेनिटी है और एक आपकी है एक्सटर्नल सोवरेनिटी इंटरनल सवरानिटी क्या है कि स्टेट जो है इट इज़ द सुप्रीम ओवर ऑल इट सिटीज़न रियासत जो है वो जितने भी रियासत मुल्क के अंदर जो शहरी मौजूद हैं उन सब के ऊपर रियासत जो है वो उसकी बढ़तर हैसियत है उसकी जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी हाई इट्स वेरी हाईली इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्टेट एक ऐसी रियासत एक बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं है, है. और इंटरनल सुबरानिटी का मतलब ये है कि जो भी मुल्क के अंदर कानून नाफिज किया जाएगा ऑल द सिटीजन्स आर ओबे टू फॉलो इट इसी तरह एक्सटर्नल सुब्रैनिटी की अगर हम बात करते हैं उसका मतलब ये है कि कोई बाहर के जो कंट्रीज़ हैं दे आर नॉट एबल टू इंफ्लुंस दे आर नॉट एबल टू इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ द स्टेट यानी कि बैरूनी दबाव से आज़ाद एक्सटर्नल सुब्रेनिटी उस स्टेट के पास है मीन्स दैट द स्टेट इज़ इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्राम द फॉरन एंड द आउटसाइड कंट्रोल तो उम्मीद करती हूँ व्यूबरस आपको आज का लेक्चर uh, जो है वो आई uh, होप के ऑल द कंसेप्ट आर क्लियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल